पुलिस थाना अंतर्गत पुराने विवाद के चलते आसिफ खान को चाकू से मारकर और बाद में उसके सर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। नागपुर के पाचपावली पुलिस थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी और मृतक का बहुत समय से झगड़ा चल रहा था, जिसमें पुराने विवाद के चलते आरोपी ने आसिफ खान पर चाकू से हमला किया और उसे सर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी और मृतक का 2 साल पुराना झगड़ा था। एक शादी में भी उनकी अनबन हुई थी, इसके चलते आरोपी ने आसिफ खान को मौत के घाट उतार दिया है। मृतक वैशाली नगर स्कूल में चपरासी का काम करता था। इस मामले में आरोपी ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पाचपावली पुलिस द्वारा की जा रही है। घटना ये हुई, हमारे भांजे को मारा गया ड्यूटी पे जाते समय। सिक्योरिटी में काम करता हूँ। झगड़ा था उनका, ऐसी बस्ती का जो झगड़ा होता है, बस वही झगड़े में ड्यूटी स्कूल सामने की जो स्कूल है वहाँ पुराना झगड़ा है। पाचपावली थाने में कंप्लेंट है उसकी, कंप्रोमाइज किया उसने, कंप्रोमाइज किया उसके बाद में फिर अभी ये किया। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।